हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अपने घर पे स्वस्थ होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं अपने जो हमने इंग्लिश का काम शुरू किया हुआ है टेंस का, उसका हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर चुके हैं। उसके चार जो सेंटेंस थे, चार प्रकार के, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, वो हम कर चुके हैं। उसके बाद जो हमारा अगला टेंस है वह है प्रेजेंट जो कंटिन्यूस। कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो हम उसको करने जा रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। सबसे पहले जैसे पहचान करते हैं कि हमें कैसे पता लग गया कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है, तो उसके लिए हम हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहा हूँ, रही है, रहे हैं, इस प्रकार आता है, तो वह क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये कंटिन्यूस है, लगातार चल रहा है। तो जो काम लगातार चल रहा है, वहाँ पर हम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसकी जो सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, क्या है वो? इज, एम और आर। इज का मतलब होता है, एम का मतलब होता है हूँ, और आर का मतलब होता है या हो। तो इज जो है वो सिंगुलर के लिए हम प्रयोग करते हैं, जो एम है वो हमेशा आई के साथ लगता है, और आर जो है वो हमेशा बहुवचन के साथ लगता है। तो हम इसका अगर सेंटेंस बनाते हैं, तो इसका रूल है, सबसे पहले लेंगे हम सब्जेक्ट, उसके बाद आएंगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, इनमें से कोई भी एक। उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद हम यूज करेंगे आई एन जी, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और हम फुल स्टॉप लगा देंगे। ये है हमारा सिंपल सेंटेंस बनाने का नियम। ठीक है, तो एक वाक्य कर लेते हैं। जैसे राधा गाना गा रही है, तो देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। राधा, राधा एकवचन है, तो क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब हमारी? इज। राधा इज। उसके बाद क्या काम कर रही है वो? वर्ब क्या है, क्रिया क्या कर रही है वो? गा रही है। राधा इज सिंगिंग। सिंग हमारी पहली फॉर्म है, और उसके साथ आई एन जी लगाने से बन गया सिंगिंग। राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, पीछे फुल स्टॉप। तो ये हमारा बिल्कुल सिंपल सा है ना? हाँ, राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। आप कुछ भी, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग, ठीक है, आप खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग, तो ये हमारे सिंपल सेंटेंस थे। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होएगा? पहले सब्जेक्ट, जैसा हमारा सिंपल सेंटेंस बनाते हैं ना, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट फिर आई एन जी, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आई एन जी। जैसे वही वाक्य ले लेते हैं हम, राधा इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। राधा गाना नहीं गा रही है। क्या राधा गाना गा रही है? तो हम इसको कैसे करेंगे? जिस प्रकार हम डू और डज को आगे लेके आए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसी प्रकार हम यहाँ से सिंपल सेंटेंस का जो नियम है, ठीक है, एस प्लस एच वी प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जो सिंपल का हमारा नियम था, तो उसमें से हम क्या करेंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे। तो उसमें नियम क्या हो जाएगा हमारा? जैसे इज राधा सिंगिंग अ सॉन्ग, और लास्ट में क्या आएगा हमारा? क्वेश्चन मार्क। अगर हम
इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो उसमें क्या हो जाएगा, इज राधा नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, और लास्ट में आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये चारों जो सेंटेंस है, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, ये हमारे कंप्लीट होते हैं। हम एक वाक्य और करके देख लेते हैं। ठीक है, उसका हम एक ही वाक्य को चारों प्रकार के सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करके दिखाएंगे, फिर आप अपनी मर्जी से अपने वाक्य बनाएं और उनको सॉल्व करें। ठीक है, जैसे हमारा वाक्य है दे आर प्ले क्रिकेट, इसका नेगेटिव क्या बन जाएगा, दे आर नॉट प्लेइंग, आगे वही हमारा क्रिकेट। ठीक है, पीछे फुल स्टॉप। इंटरोगेटिव अगर हम बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे। ठीक है, तो क्या देगा, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखो, हमने सिंपल सेंटेंस से सिर्फ आगे की तरफ लेके आए हैं हेल्पिंग वर्ब, बाकी हमारा सेम है। और जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हम इसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस वाला, इसमें क्या करेंगे हम, यहां से हेल्पिंग वर्ब आगे ले आएंगे, आर दे नोट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो इसके पीछे भी क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि यह इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों है, तो नोट भी लग गया और क्वेश्चन मार्क भी लग गया। तो हम इन दोनों वाक्यों से ही अगले दो वाक्य बना सकते हैं। सिंपल से हमने हेल्पिंग वर्ब आगे ले ली तो यह हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। नेगेटिव से हमने आगे हेल्पिंग वर्ब ले ली तो यह इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया, और इन दोनों के पीछे लग गया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये इसके कमेंट करके जरूर बताएं, और कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। ठीक है, अगले वीडियो के लिए मिलते हैं, बाय बाय।